हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक फूड विद जो। तो आज हम बनाने वाले हैं चावल की खीर। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि इस खीर को बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 लीटर फ्रेश काउ मिल्क, धुला हुआ चावल, बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, इन ड्राई फ्रूट्स में मैंने पिस्ता, बादाम और काजू का इस्तेमाल किया हुआ है, घी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के लिए, आधा कटोरी मैंने यहाँ पे शक्कर ली हुई है एंड इलायची, आप इलायची की जगह पे इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिल्क को बॉईल करने के लिए गैस पे रखेंगे और मिल्क को हमें मीडियम फ्लेम पे ही काफी देर तक बॉईल करना है। मिल्क को हमें धीरे धीरे बीच बीच में चम्मच से चलाते रहना है ताकि मिल्क जो है वो तल पे लगे ना। और गाइस, खीर को बनाने के लिए या मिल्क को बॉईल करने के लिए हमेशा एल्युमिनियम के पतीले का इस्तेमाल कीजिए, इससे मिल्क जो है वो तल पे लगते हैं। तो गाइस, जब तक हमारा मिल्क बॉईल हो रहा है तब तक हम एक अलग पैन में घी डालकर ड्राई फ्रूट्स को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने काफी सारे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया। ड्राई फ्रूट्स हम खीर में जितने ज्यादा डालते हैं खीर का फ्लेवर उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। तो हम इन ड्राई फ्रूट्स को खीर में 2-3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो गाइस, तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स अब घी में अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए हैं। तो अब इन्हें हम निकाल के साइड में रख लेंगे। तो गाइस, अब एक दूसरा पैन लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा घी डाल के चावल को अच्छे तरीके से घी में रोस्ट कर लेंगे। आई नो आप लोगों ने इसके पहले कभी नहीं सुना होगा कि राइस खीर बनाने के लिए हमें चावल को भी घी में रोस्ट करने की जरूरत है, लेकिन अगर हम चावल को घी में रोस्ट करके खीर बनाते हैं तो जो खीर का फ्लेवर है वो काफी बढ़ जाता है। तो गाइस, ये देखिए हमने चावल को 3 से 4 मिनट के लिए घी में अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करके इसे इसी पैन में पका लेंगे। तो गाइस, हमें चावल को ढक के पका लेना है। चावल पकने में 10 मिनट का तकरीबन टाइम लेगा और इस बीच में हमें मिल्क को अच्छे तरीके से बीच बीच में चलाते रहना ताकि मिल्क पतीले पे ना लगे और इसमें मलाई भी ना पड़े। गाइस, इस खीर को बनाने के लिए आप लोगों को काफी पेशेंस की जरूरत है क्योंकि ये खीर जो है वो बनने में कम से कम 40 से 50 मिनट का वक्त लेती है। एस वी ऑल नो कि इंतजार का फल मीठा तो होता ही है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस खीर को आराम से इत्मीनान से बनाइए और इस खीर का जो फ्लेवर है ना वो काफी अच्छा आता है। तो गाइस, ये देखिए अब हमारा राइस अच्छे तरीके से पक के रेडी हो गया है एंड दूध भी अच्छे तरीके से गाढ़ा हो गया है। तो हम राइस को मिल्क में ऐड कर देंगे। राइस को मिल्क में मिला दिया है और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची। इलायची से जो खीर है उसका टेस्ट काफी अच्छा आता है। अब हमें इसको राइस को मिल्क में अच्छे तरीके से चलाते रहना है और इस राइस ऐड करने के बाद हमें इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और पकाना है। एंड गाइस, इसमें आप मिल्क का और राइस का जो क्वांटिटी है आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे किसी को थोड़ी पतली खीर पसंद होती है, किसी को थोड़ी गाढ़ी खीर पसंद होती है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये देखिए चावल अभी खीर में अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि चावल अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो रहे, चावल के दाने अलग अलग दिख रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा चम्मच की सहायता से इसको इस तरीके से स्मैश कर सकते हैं। तो चावल जो है हमारे वो खीर में और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। तो आप इसे इस तरीके से स्मैश कर लीजिए। एंड अब मैं इसमें ऐड करूंगी शक्कर। फ्रेंड्स, शक्कर आप अपने हिसाब से ऐड करिए क्योंकि किसी को ज़्यादा मीठी खीर पसंद होती है, किसी को थोड़ी फीकी खीर पसंद होती है, तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग ही ऐड करिए। अब इसमें मैं ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे ये भी हम इसमें मिला देंगे। अब बस हमें 5 मिनट के लिए और पकाना, हमारी खीर बन के रेडी है। तो गाइस, हमारी खीर अब बन के रेडी है एंड इस खीर को बनाने के लिए गाइस मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। मैंने इस पूरी खीर को दूध में ही पकाया है। पानी का इस्तेमाल हमने सिर्फ चावल को अलग से पकाने के लिए किया था, थोड़े से पानी का इस्तेमाल, क्योंकि अगर हम इस पूरी खीर को दूध में बनाते हैं तो खीर का जो टेस्ट है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग भी इस खीर को सिर्फ दूध में ही पकाइएगा।
अब इस खीर को मैं एक सर्विंग बाउल में सर्व करूंगी। गाइस तो ये देखिए हमारी राइस खीर बनके एकदम रेडी है। इनसी राइस खीर कितनी यमी दिख रही है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग भी इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा एंड आई बिलीव कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।